इस वापत ने अपनी वाइफ से हुए तलाक के बारे में शमिता सेट्टी से आखिरकार क्या कुछ शेयर किया है बिग बॉस ओटीटी के घर में, पर क्या है ये पूरी खबर, चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वाला आपको बता दूं कि राकेश वापत और शमिता सेट्टी एज अ बॉन्डिंग पार्टनर काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस ओटीटी में, और उनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। कुछ रोमांटिक अंदाज से एक दूसरे को जगाते, एक दूसरे को फुसलाते नजर आते हैं दोनों हमेशा ही। लेकिन फिलहाल जो लाइव फीड में नजर आ रहा है कि राकेश वापत अपनी कुछ पर्सनल बातें को भी शमिता सेट्टी से शेयर करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जब राकेश वापत का डायवोर्स हुआ था रिद्धि से, तब वो किस तरह से टूट गए थे, किस तरह से एंग्जाइटी अटैक्स उन्हें आया था, वो सब कुछ शेयर करते नजर आए हैं। जी हाँ, जब राकेश वापत की वाइफ यानी रिद्धि से उनका डायवोर्स हुआ था, फिर उनके पापा की डेथ के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इवन वो रात रात भर सो नहीं पाते थे। ये कुछ पर्सनल चीजें शमिता सेट्टी से राकेश वापत शेयर करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा पर्सनल चीजें वही शेयर करता है जिसके बीच में कुछ बॉन्ड से ज्यादा, यानी शो के बॉन्ड से ज्यादा कुछ उसके ऊपर लेवल का भी एक बॉन्ड हो। वेल, क्या शमिता सेट्टी और राकेश वापत की ये जोड़ी घर के बाहर भी टिक पाएगी? वेल, आखिरकार राकेश वापत किस भरोसे के साथ शमिता सेट्टी को ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं? वेल, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिग बॉस ओटीटी के घर में भी और घर के बाहर भी। बिग बॉस ओटीटी के घर में भी और घर के बाहर भी। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे राकेश वापत के इस पर्सनल चिटचैट को शमिता सेट्टी के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।